दोस्तों हम जा रहे हैं जंगल की एक तालाब में। तालाब में हम जो पानी रहता है उसके अंदर हम आग लगाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट देखने के लिए मिलेंगे। चलो फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तालाब के पास पहुँच गए हम लोग। सिंपल एक बॉटल चाहिए, बॉटल के साथ साथ ये जो कॉस्टिक सोडा रहता है इसको भी चाहिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे डब्बे में, कॉस्टिक सोडा है, इसे डब्बे में डालने के बाद हम क्या करते हैं इसमें कुछ केमिकल और डालेंगे। पहले कॉस्टिक सोडा है उसको डाल लेते हैं, उसके बाद सिंपल हमें डालना पड़ेगा, यहाँ पे डल गए। उसके बाद सिंपल ये वाटर डालना है जो कि पानी है, तो ये पानी डालना है हमको। तो यहाँ पे पानी भी डल गया हम लोग का, कुछ इतना पानी डाल लेना, थोड़ा सा और डाल लेते हैं इसमें। अब क्या करना है, जो कि एल्युमिनियम फाइल रहता है उसको छोटा छोटा पीस बना के इसमें डालना होता है। उसके बाद इसको भी डाल ही लेते हैं। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड चाहिए दोस्तों, उसको डाल लेते हैं। डालने के बाद क्या करना, ढक्कन को पूरी तरीके से टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कुछ इस टाइप का छोड़ देना है। जैसे छोड़ेंगे इसमें बहुत सारा गैस भर जाएंगे। गैस के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हो नीचे में लीकेजेस हो चुका है, यानी कि फट गया है। तो दूसरा स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा कैल्शियम कार्बेट जो कि अब पानी में डालने वाले हैं, जो कि पानी में डालेंगे। उसके बाद पानी में लगा देंगे आग। यहाँ पे देख सकते हो आग लग चुका है। आप कहीं नहीं देखे होंगे कि पानी में आग जलता हुआ, तो इस वीडियो में पूरा देख लीजिए, एकदम हकीकत है। जो कि कैल्शियम कार्बाइड था उसे पानी में डालते साथ देख सकते हो कितना बबल्स निकल रहे हैं यहाँ से। तो और डाल के देखते हैं इसमें। तो अभी फिलहाल इसका जो हवा चल रहा है यहाँ पे इस नाम से ये नहीं पकड़ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं और उसमें देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा गैसेस निकलना स्टार्ट हो गया है। चलो दूसरा डाल देते, इसमें डाल देते हैं आग। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो कितना हवा कर रहा है, फिर भी आग चल रहा है। तो कुछ इस तरह होता है कि जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी के अंदर डालते हैं, पानी से जब बबल्स निकलते हैं तो उसमें आग पकड़ लेता है सिंपल। तो चलो फिर इसे बाहर निकालते हैं, जो कितना बचा हुआ था तो इसे बाहर निकालते हैं। कुछ इस तरह देख सकते हो जो पानी से बाहर निकाले हैं। अब इसमें मार देते हैं फिर से आग। तो यहाँ पे आग पकड़ चुके हैं। तो इसे क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे पानी में लेके चलते हैं कि मतलब बुझता है या फिर नहीं। तो सिंपल इसे कुछ लकड़ी के माध्यम से यहाँ पे पानी में डाल दिए और अंदर ले जाते हैं इसको। पूरा पिघल ये बहुत देर तक जलते रहेंगे। ये कैल्शियम जो कार्बेट रहता है बहुत समय तक जलता है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है जो कि पानी में आग लग सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी में आग लगाने के लिए बहुत उपाय सरल जो कि है। तो इसी तरह आप भी लगाओ। और इस वीडियो में आपको कुछ सीख मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड हमारे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना।